औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। के सारे जो हमारे ताजर बरादरी है और सारे दोस्तों को हमारी तरफ से सलाम कबूल हो। और मैं आदिल खान और मेरे साथ नवीद बुनेरी और साकिब सानी साहब हैं। और सब लाइव आने का आज का जो ख़ास मकसद है वो ये है कि हमारी जो बिजली आज सुबह से बंद है, तो सुबह ही हमने न्यूज़ पेजेस पे देखा कि उस पर लिखा हुआ था कि बिजली आज नहीं होगी, होगी मैं शाम 5 बजे तक। तो वो तो एक इतला थी जो वहाँ से हमारी तक पहुँच गई है और हमने इसकी अपने तौर पर तहकीक की है। वाकई बिजली 1/32 लाइन से बंद है, उस पर कोई ज़रूरी मरम्मत का काम जारी है, वो काम हो रहा है। तो उस काम की बात तो ठीक है, इंशाल्लाह वो मरम्मत है, जो ज़रूरत होगी वो होगा। लेकिन यहाँ से हम एक तो इतला देना चाहते हैं अपने ताजरों को, सारों को, कि ये वाकई बिजली नहीं होगी आज 5 बजे तक। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि हम जो हमारे बावड़ा के हुकाम हैं उनके साथ जो जो हमारे जितने आला हुकाम हैं, जो हमें अगर इस प्लेटफॉर्म से हमारे और अपने और सुन सकेंगे, तो उनको ये कहना चाहूँगा कि ये जो बिजली बंद होती है, तो अगर ये पूरे दिन की बिजली बंद होती है तो इसके लिए मुनासिब तरीका तो ये है कि आप इनको एक दिन पहले इत्तला करें, 2 दिन पहले इत्तला करें और मीडिया पर आकर इसके बारे में बताएं कि ये बिजली इतनी देर के लिए बंद होगी। तो उससे ये है कि ताजरों को बड़ी आसानी होगी और हमें भी बड़ी आसानी होगी। इसमें अक्सरियत का मेरे ख्याल से 50-60-70% का कारोबार जो है वो बिजली के साथ मुंतरिक है, तो एकदम अचानक से अगर उनकी बिजली बंद होती है तो उनके लिए एक परेशानी हो जाती है। तो ये जो बात है, हम आला हुकाम को भी बताना चाहते हैं कि इस मामले को ज़रा सीरियस लें और जब भी कोई ऐसा मामला हो तो लिहाजा इसको पूरी तरह इसके बारे में सोचें और उसके बारे में लोगों को बर वक्त ब्रीफ करें, लोगों को बताएं। इसी तरह फिर ये लोगों में गम, गुस्सा और परेशानी की लहर फैल जाती है, तो ये फिर मुश्किलात बनती हैं। तो लिहाजा हम सबसे अपील करते हैं कि जिनकी ज़िम्मेदारी है वो अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी करें और जब भी बिजली का कोई मसला हो या ये लंबी छोटी टाइम के लिए बंद हो तो मेहरबानी करके वो पेशगी तौर पर हमें बताएं कि किस वजह से बिजली बंद होती है, कब से कब बंद होती है। और दूसरी बात अहम ये है कि ये बिजली की गैर इलामिया लोड शेडिंग जो है वो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि सिटी का जो एरिया है कारोबार उससे मुतासर होते हैं, तो ये बिल्कुल हम नहीं मानते। तो इंशाल्लाह अजीज़, इस पर हमारी पहले भी मीटिंग हुई थी उसके साथ, बिजली वालों के साथ, तो हम यहाँ से उनको भी बताना चाहते हैं और इंशाल्लाह उनसे बैठ के भी इस मामले में उनको इस बारे में आगाह करेंगे अपनी तशवीश से और अपनी जो हमारी जो बात है उससे। तो ये दूसरी बात आखिर में ये कहना चाहूँगा कि जितने हमारे पास ये लोग देख रहे होंगे, हमारे जो लोग साथी हैं, दोस्त हैं, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि एक तो सब ताजरान तक हमारी आवाज़ पहुँच सके और जो हम इंतजामिया वाला हुकाम तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से पहुँच सके। साकिब सानी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मशकूर हूँ चाहने वालों का, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे। और इंशाल्लाह जी मीटिंग भी उनके साथ होगी, आपके मुतालबात भी होंगे इंशाल्लाह और ये मामला भी ख़त्म होंगे इंशाल्लाह, अल्लाह के भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा क्योंकि वाकई से ये मुतालबा है कि जब भी इस तरह कोई नाम साफ वाला आ जाए तो कम अज़ कम रात को या एक दिन पहले मीडिया पे आप इस बात को बता दें कि कम अज़ कम ताजर जो सुबह दुकान खोलते हैं तो आगे से ये मालूम हो जाती है कि आज 12 दिन की दुकान होगी, तो फिर ये क्या करेंगे? अगर 1-2 दिन पहले हो तो कम अज़ कम जहनी तौर पे तो ताजा तैयार होगा कि आज 2 दिन बिजली बंद है, 1 दिन बिजली बंद है। और मैं खुसूसन एजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये वापस आने की सुबह ये पिछले कई दिनों से ही मामला चल रहा है, गैर इलाजी लोड शेडिंग हो रही है और बड़ा मसला बन रहा है, खासकर के सिटी एरिया में बड़ा मसला बन रहा है। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जितने भी हमारे दोस्त व्यूवर हमें देखेंगे, सबसे मैं कहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब लोगों तक पहुँच सके। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।